Good morning class. This is our new Anna Physio class in which today we will study about the remaining topics of gallbladder. That is sphincters related to the bile and the pancreatic duct. देखिए हमने bile pancreatic duct के sphincters हम पढ़ लेते हैं आज की क्लास में जैसे sphincter colidocus, sphincter pancreaticus और sphincter ampullae. ये तीन स्फिंक्टर्स जो हैं वो बाइल में पाए जा रहे होते हैं. बाइल जीबी के अंदर अपन पढ़ते हैं. ये स्ट्रक्चर देखिए, ड्यूडेनम बताई गई है, लाइसिस सर्क्यूलारिस ड्यूडेनल पैपिली और हेपेटो पैनक्रेटिक एम्प्यूला ऑफ वेटर. यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई गई है. ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, ये स्फिंक्टर पैपिली हैं, ये स्फिंक्टर पैनक्रियाटिकस हैं जो कि पैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं. ये कॉमन बाइल डक्ट है जिससे जुड़े हुए स्फिंक्टर कॉलिडोकस हैं. ये स्फिंक्टर्स के स्ट्रक्चर इसमें क्लियर दिखाई गई है. अब स्फिंक्टर कॉलिडोकस ये टर्मिनल पार्ट है बाइल डक्ट का जो कि सराउंडेड रहता है जस्ट अबाउट इट्स जंक्शन विद द पैनक्रियाटिक डक्ट. इसके जंक्शन, ये जो दोनों डक्ट हैं बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट के जंक्शन के जस्ट अबाउ पैनक्रियाटिक डक्ट से सराउंडेड रहता है एक स्मूथ मसल्स की रिंग से जो कि स्फिंक्टर कॉलिडोकस बनाती है. ये रिंग की स्ट्रक्चर आपको पिछले डायग्राम में आपने देखी थी. कॉलिडोकस का मतलब ही बाइल डक्ट होता है. ये स्फिंक्टर हमेशा प्रेजेंट होता है. इसकी वजह से बाइल जो लीवर में बनता है वो गॉल ब्लैडर में आकर के एक्यूमुलेट होता है इस स्फिंक्टर की वजह से. स्फिंक्टर कॉलिडोकस की वजह से जो बाइल लीवर में बनता है वो गॉल ब्लैडर में आकर के एक्यूमुलेट होता है और फिर वहाँ पर कंसंट्रेट होता है आकर के. जब फूड ड्यूडेनम में एंटर होता है, स्पेशली कोई फैटी मील अगर आपने खाया है और वो आकर के वो आपके ड्यूडेनम में पहुंचा है स्टमक से, तो उस समय ये स्फिंक्टर ओपन्स हो जाते हैं. जो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ होता है वो ड्यूडेनम में पोर कर दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ फैट कर सके. दूसरे स्फिंक्टर स्फिंक्टर पैनक्रियाटिकस और स्फिंक्टर एम्प्यूली, ये दूसरे लेस डेवलप्ड स्फिंक्टर हैं जो कि हमेशा प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है. पैनक्रियाटिक डक्ट के टर्मिनल पार्ट पर ये पाए जाते हैं, हमेशा पाए जाए जरूरी नहीं है. जो पैनक्रियाटिक डक्ट के पार्ट में पाया जाता है उसको पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर पैनक्रियाटिकस कह देते हैं. और जो थर्ड स्फिंक्टर है जो कि हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला के चारों तरफ पाया जाता है उसको अपन स्फिंक्टर एम्प्यूली या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं. अब ये देखिए डायग्राम, ये ड्यूडेनल की वॉल दिखाई गई है जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, सर्क्यूलर मसल है, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा है. ये कॉमन बाइल डक्ट ग्रीन कलर की और पैनक्रियाटिक डक्ट गोल्डन कलर की दिखाई गई है. ये पैनक्रियास बताया गया है, ये स्फिंक्टर है पैनक्रियाटिक डक्ट के रेड रेड से दिखाए गए हैं और बाइल डक्ट के स्फिंक्टर ये ब्राउन रेडिश पार्ट से दिखाए गए हैं. स्फिंक्टर ऑफ एम्प्यूला है नीचे की तरफ और ये मेजर पैपिला है. तो ये डायग्राम आप देखिए. फिर इस डायग्राम में ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दिखाई गई हैं. दोनों स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के अंदर ये खुल रही है. ड्यूडेनल की वॉल दिखाई गई है. ये इसमें बाइल कैसे फ्लो हो रहा है, पैनक्रियास बताई गई है, ये बाइल डक्ट बताई गई है, ड्यूडेनम, क्योंकि ये बाइल फ्लो होकर के ड्यूडेनम में आएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से होता हुआ. अब ब्लड सप्लाई, गॉल ब्लैडर अपन पढ़ रहे थे ना, तो गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ लिया और उसके स्फिंक्टर्स पढ़ लिए हमने. अब ब्लड सप्लाई देख लीजिए. गॉल ब्लैडर की सिस्टिक आर्टरी गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट्स और अपर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट, ये ब्लड सप्लाई से जुड़े हुए हिस्से हैं. सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी जो है वो कहाँ कहाँ पे सप्लाई करी है, गॉल ब्लैडर को, सिस्टिक डक्ट को, हिपैटिक डक्ट को और अपर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को सप्लाई करती है. पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी बाइल डक्ट के लोअर पार्ट को सप्लाई करती है. सिस्टिक आर्टरी तो बाइल डक्ट के अपर पार्ट का और बाइल डक्ट के लोअर पार्ट को पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करती है. नेक्स्ट राइट हिपैटिक आर्टरी, ये बाइल डक्ट के मिडिल पार्ट का माइनर सोर्स है.
बाइल डक्ट के मिडल पार्ट का, तो बाइल डक्ट के अपर पार्ट को सिस्टिक आर्टरी, लोअर पार्ट को पोस्टर सुपीरियर पैनक्रेटो ड्यूडिनल आर्टरी और मिडल पार्ट को राइट हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करती है। हर चीज़ हर ऑर्गन का भाई आपको ब्लड सप्लाई पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ब्लड सप्लाई पे, नर्व सप्लाई पे, तो हर ऑर्गन की आपको ये चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट वीनस ड्रेनेज, जब आर्टरी सप्लाई हो गई तो वीनस ड्रेनेज देखिए। तो वीनस ड्रेनेज जो है गॉल ब्लैडर के सुपीरियर सरफेस ड्रेन होता है हिपैटिक वेन के अंदर, रेस्ट गॉल ब्लैडर ड्रेन होता है एक या दो सिस्टिक वेन के अंदर। गॉल ब्लैडर का सुपीरियर सरफेस तो हिपैटिक वेन के अंदर, और बाकी बचा हुआ जो गॉल ब्लैडर का पार्ट है वो ड्रेन होता है एक या दो सिस्टिक वेन के अंदर, जो कि पोर्टल वेन की राइट ब्रांच में एंटर होती है, पोर्टल वेन की राइट ब्रांच में। बाइल डक का लोअर पार्ट जो है वो पोर्टल वेन में ड्रेन होता है, बाइल डक का लोअर पार्ट पोर्टल वेन में ड्रेन होता है। तो अलग अलग पार्ट्स बता दिए, सुपीरियर सरफेस, लोअर पार्ट, और लोअर पार्ट तो है बाइल डक का, बाइल डक का लोअर पार्ट, और गॉल ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस और रेस्ट ऑफ द सरफेस अलग अलग हमने बता दी। अब लिम्फैटिक ड्रेनेज सुन लीजिए, आर्टरी सप्लाई हो गई, वीनस ड्रेनेज हो गया, लिम्फैटिक ड्रेनेज, सिस्टिक लिम्फ नोड जो है लंग की और नोड ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एपीप्लॉइक फोरामेन, ये इसमें जुड़ी हुई रहती है, एपीप्लॉइक फोरामेन के एंटीरियर बॉर्डर की नोड और लिम्फिक नोड, सिस्टिक लिम्फ नोड, अपर पैनक्रेटिको स्प्लेनिक नोड भी इससे जुड़ी हुई है, जिसमें ये ड्रेनेज होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज इन पार्ट्स के अंदर देखने को मिल रहा होता है। अब लास्ट नर्व सप्लाई भी देख लीजिए, तो सिस्टिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स इसको सप्लाई कर रही है, राइट और लेफ्ट वेगस नर्व सप्लाई करती है, राइट फ्रीनिक नर्व सप्लाई करती है, और पेन फ्रॉम गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर में पेन होता है तो वो उसको अक्सर स्टमक पेन माना जा रहा होता है। इन्फीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैप्यूला का ये राइट शोल्डर के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा होता है, स्टमक में दिखाई दे रहा होता है, राइट स्कैप्यूला के इन्फीरियर एंगल में और राइट शोल्डर के अंदर ये पेन जो है वो दिखाई दे रहा होता है। तो ये इसकी नर्व सप्लाईज हैं। तो आज वाली क्लास के अंदर अपन ने गॉल ब्लैडर के स्फिंक्टर्स पढ़ लिए, गॉल ब्लैडर के भी पैनक्रियाटिक डक्ट वगैरह के भी स्फिंक्टर्स पढ़ लिए अपन ने, आर्टरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई हमने जो है आज की क्लास के अंदर पढ़ी है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, लगभग अपना गॉल ब्लैडर इसके साथ कंप्लीट भी हो चुका है। आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।